हम कक्षा नौवीं, कक्षा दसवीं, नवम कक्षाया, दशम कक्षाया जो संस्कृत व्याकरण के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हैं उनको पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे दिया है यहाँ पर उचित विकल्पम चित्वा लिखा, पहला है महाधन आशय इत्यस्मिन पदे संधि अस्ति, तो इसमें कौन सी संधि आएगी आपको लिखना है। महाधन आशय बराबर क्या होता है महाशय, इसमें आएगी वृद्धि संधि, ठीक है। कौन सी संधि आएगी वृद्धि संधि, राजश्री इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति, ठीक है ना। तो क्या आएगा राजश्री का, क्या आएगा राजधन ऋषि। निस्तार इत्यस्य पदस्य संधि अस्ति, निस्तार का क्या आएगा विसर्ग संधि, क्योंकि ये विसर्ग लगा। हरिधन अवदत इत्यस्य पदस्य पद संधि अस्ति, जो हरिधन अवदत है इसमें कौन सी इस पद में कौन सा आएगा, इसमें क्या आएगा हरि हरिवदत। फिर है अरुणा संस्कृतम गणितम च पठति इत्यस्य पदे अव्यव, इसमें कौन सा क्या आएगा कौन सा अवयव है, तो कौन सा वाला अवयव आएगा च। फिर दिया है यहाँ पर उचित विकल्प हम चित्वा लिखो, पितरौ इत्यस्मिन् पदस्य विग्रह, पितरौ का विग्रह क्या होगा, तो इसमें आएगा माता च पिता च। दशानन समासस्य उदाहरणम्, जो दशानन समास उसको कौन सा उदाहरण आएगा बहुव्रीहि समास। सप्तानाम ऋषीणाम समास इत्यस्य पदम अस्ति, तो क्या आएगा इसमें सप्तानाम ऋषीणाम समाहारः इत्यस्य पदम अस्ति, तो क्या आ जाएगा इसका सप्तेषु ऋषि। यथाशक्ति इति समासस्य उदाहरणम्, यथाशक्ति जो है उसका कौन सा आ जाएगा, यथाशक्ति इति समासस्य उदाहरणम्, यथाशक्ति जो है वो किसमें इसमें आएगा द्विगुण समास। नरेंद्र निरूपाय अस्ति इत्यस्य पदे उपसर्ग अस्ति, इसका क्या आ जाएगा निर, इसके आंसर दिए हुए हैं। फिर दिया है उचित विकल्पम चित्वालिका गमिष्यामि इत्यस्मिन् शब्दे पुरुष, तो जो दिया है कौन सा आएगा इत्यस्मिन् कौन सा आएगा उत्तम पुरुष। नश्येत इत्यस्मिन् शब्दे लकारः अस्ति, तो नश्येत का क्या आएगा उसका आएगा विधि। प्रक्षसि इत्यस्य मूल धातु, जो प्रक्षसि है उसकी मूल धातु क्या है प्रक्ष। अधोलिखित लट लकार से रूपम अस्ति, जो लट लकार है अधोलिखित का जो लट लकार कौन से उसमें इसका आ जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा। इसी प्रकार से ये दिया है एक और अधोलिखितेषु अव्ययम् नास्ति, इसमें जो लिखा हुआ इसमें अव्यय कौन सा नहीं है, तो अस्मि। अब यह जो विकल्प चित्र गतः इत्यस्मिन् शब्दे प्रत्यय अस्ति, जो दिया हुआ है गतः इत्यस्मिन् शब्दे प्रत्यय अस्ति, तो क्या जाएगा तो अधोलिखितेषु या प्रत्यांत शब्द अस्ति तो विलोप्य। बुद्धिमान इत्यस्मिन् शब्दे तद्धित प्रत्यय अस्ति, जो बुद्धिमान है उस शब्द में मतलब तद्धित कौन सा प्रत्यय आएगा, तो मतु। नारी इत्यस्मिन् शब्द प्रत्यय अस्ति, जो नारी है इसमें इस शब्द में कौन सा प्रत्यय आएगा इसमें, तो इसमें कौन सा प्रत्यय आएगा इस प्रकार से यहां पर कौन सा आएगा इसका, इस प्रकार से यहां पर आएगा घ, ठीक है ना, का खा ग घा, और इसका आंसर होगा बी। अब है सर वार ब्रह्मा, इसमें जो दिया है इसमें क्या मंत्र मूला पत्र मूला पंत्र मूला या कर्म मूला, ठीक है ना, इसमें क्या आएगा मंत्र मूला इस प्रकार से। चलिए आगे पढ़ते हैं। आप यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न स्वागतम इत्यस्य पदच्छेदः भविष्यति, तो उसमें सबसे पहले इसमें क्या आएगा इस
वृद्धि संधि का उदाहरण क्या आएगा? सै, या यहाँ पर आएगा सदै। ठीक है, फिर है व्यंजन संधि उदाहरण अस्ति। अब व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा आएगा? जगदीश। मन धन रथ खालिस्थान भवति, तो क्या आएगा मन धन रथ का? इसमें आएगा मनोरथ। उद धन ज्वला व्यत्यस्त संधि, इसमें कौन सी संधि इसमें आएगी? तो कौन सी संधि इसमें आएगी? उद्धन ज्वला व्यत्यस्त संधि, मतलब संधि यदि हम पाएंगे तो शब्द कौन सा बनेगा? उज्ज्वला। आप यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान दिए हैं, रिक्त स्थान में यदि धन यपि शब्द क्या बना? देखिए यहाँ पर यद्यपि, रत्न धन अगार, तो यहाँ पर क्या बना? रत्न रत्नागार। फिर सदैव, तो इसमें आया सदा धन एक, प्रतिधन एका प्रत्येक। फिर भवनम, तो बोधन अना। चलिए आप यहाँ पर दिया है बहुविकल्पी प्रश्न, तो बहुविकल्पी प्रश्न में सबसे पहला है यथाशक्ति इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति। यथाशक्ति इत्यस्मिन् पदे समासः कौन सा? इसमें समास है, तो कौन सा है? अव्यभिधा समास। दूसरा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है? महापुरुषः। फिर है पंचवटी इत्यस्मिन् पदे समास, पंचवटी में कौन सा समास है? ठीक है, संख्यावाचक शब्दों की द्विगु संज्ञा होती है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास है। फिर है तत्पुरुष समासस्य उदाहरण, तत्पुरुष समास का जो उदाहरण है वह कौन सा है? दीन दानम। द्वंद्व समासस्य उदाहरणम अस्ति, द्वंद्व समास का जो उदाहरण है वह क्या है? धर्मार्थम, धर्म का अर्थ क्या है ना, तो द्वंद्व समास, समान शब्द मतलब वाले, तो यहाँ पर कौन सा आएगा? धर्मार्थम। अब यहाँ पर देखिए यहाँ दिया हुआ है रिक्त स्थान विद्याहीना, तो क्या आ जाएगा? विद्या विद्याहीन, हीना दिया, इसका यदि हम करेंगे तो क्या जाएगा? विद्याहीना। ठीक है, फिर राम लक्ष्मण, तो इसका जो समास विग्रह आएगा रामस्य लक्ष्मणस्य त्रिभुवन, तो त्रयाणाम बहुनाम समाहार। ठीक है, पीताम्बर पीता अम्बरम यस्य। फिर है पंचवटी, तो पंचानाम वटानाम समाहार, पांच वटों का समूह। आप यहाँ पर दिया है सही और गलत, आम माने हाँ ना माने नहीं। निर्विहनम इत्यस्मिन् पदे बहुव्रीहि समास अस्ति, क्या इसमें बहुव्रीहि समास है? तो यहाँ पर आएगा ना। राज्ञः पुरुषः पदस्य समासः राजपुरुषः भवति, हाँ ये राज जो दिया है ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आम। द्वंद्व समास उदाहरण पंचवटी इति अस्ति ना, क्यों? क्योंकि जो संख्यावाचक शब्द होते हैं उनकी द्विगु संज्ञा होती है, यहाँ ना द्विगु समास है। अष्टाध्यायी की उदाहरण अस्ति, यहाँ अष्टाध्यायी दिया गया है, तो ये आम यानी सही है। कर्मधारय समास तत्पुरुष समास से भेदा अस्ति, हाँ आम सही है। यहाँ पर युगमेलम जो दिया है जोड़ी का मिलाना है ना, तो यहाँ पर दिया है जैसे दीन दानम, दीन दानम का क्या आएगा? तत्पुरुष समास। फिर दूसरा दिया है महादेव, तो महादेव का क्या आएगा? कर्मधारय समास, महादेव का। पार्वती परमेश्वर, तो यहाँ पर कौन सा आएगा? द्वंद्व समास। पंचपात्रम, यहाँ आएगा द्विगु समास। फिर राजपुत्र, राजपुत्र का क्या यहाँ पर दिया है? राजपुत्र सबसे पहले इसमें दिया है, पांचवा राजपुत्र, उसका षष्ठी तत्पुरुष। चंद्रशेखर, उसका जाएगा बहुव्रीहि समास। अब यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं, सदाचार एक परमो धर्म अस्मिन् अव्यवस्थि, यानी जो सदाचार ए परम धर्म है इसमें कौन सा अव्यय है, कौन सा ए?
क्या जाएगा? देखिए यहाँ पर दिया ना विद्या हीना ना 74 जैसे 22 वाक्य में अव्यय कौन सा है तो न ये दिया है, ठीक है। फिर है आधुनिक तेसु अव्ययमस्ति, इसमें समय जो दिया है अव्यय कौन सा आएगा तो यदा। अब सोमवार सोमवार सरह अस्ति इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययमस्ति, इसमें जो दिया है कौन सा मतलब आएगा तो यहाँ पर आएगा अद्य, ये दिया है यहाँ पर याद अद्य, ठीक है। इस प्रकार से करना। अब यहाँ पर दिया है रिक्त स्थान यत् धर्म खालिस्थान विजय, क्या आएगा तत्र, यथा राजा तो क्या जाएगा तथा प्रजा, यदा धनम तो तदा मित्रम, सह पुत्र गच्छति रामे सह मोहना अपि गच्छति, इस प्रकार से इसको पूरा करना। अब यहां दिया है प्रचार्य इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, जो प्रचार इसमें कौन सा उपसर्ग आएगा तो प्रा। अधोलिखितेषु उपसर्ग नास्ति तो विचलम, अधिकार इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, इसमें दिया है कौन सा आएगा अधि। अधोलिखित है उपसर्ग अस्ति, उपसर्ग अस्ति जो अधोलिखित है उसमें कौन सा उपसर्ग है तो क्या सा आएगा प्रति। निर्धन कैसे पद उपसर्ग अस्ति, निर्धन पे जो दिया है कौन सा आएगा तो निर। अब यहां देखिए रिक्त स्थान दिए हैं जैसे अति धन आचार तो क्या जाएगा अत्याचार, प्रा धन खालिस्थान तो क्या बनेगा जब हम जोड़ेंगे इसको तो जब हम प्रा में क्या जोड़ेंगे हार हार जोड़ेंगे तो क्या शब्द बन जाएगा प्रहार, ठीक है। फिर खालिस्थान धन गच्छति तो जब हम इसमें क्या जोड़ेंगे निर तो क्या बन जाएगा यहाँ पर निर्गच्छति, ठीक है। फिर है खालिस्थान धन खालिस्थान बराबर अपहरति तो क्या लगेगा इसमें हरती, आप धन यहाँ पर आएगा आप और यहाँ पर आएगा हरती तो आप धन हरती, ठीक है। यहाँ पर आप आएगा आप ठीक और यहाँ पर आएगा हरती तो क्या बन जाएगा यहाँ पर शब्द बना आप हरती। फिर है काली स्थान धन करोती तो क्या करोती जब हम क्या लगाएंगे ये शब्द जब कैसे बनेगा धन इसमें अनु लगाएंगे तो ये बन जाएगा अनु करोती। अब यहाँ देखे दिए हाँ मैंने हाँ और ना माने नहीं उपसर्ग नाम संख्या 22 अस्ति ये दिया है ना तो यहाँ पर क्या जाएगा आम उपसर्ग शब्द नाम अंते प्रयुक्त भवन्ति ना प्रयत्न इति शब्दे प्रय उपसर्ग अस्ति तो यहाँ पर क्या जाएगा ना स्वागतम इति शब्दे सु उपसर्ग अस्ति सही है आम गतमान इति शब्द उपसर्गयुक्त अस्ति न तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने आपको कुछ जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है व्याकरण के जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं आ सकते हैं आपको उनको परीक्षा के लिए तैयार करना है और आप रजिस्टर कॉपी में लिखिएगा और उनको याद करिएगा। धन्यवाद।